हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का था चौथ का व्रत। तो अभी मैं तो काम वाम करके नहा धो कर आ चुकी हूँ कहानी सुनने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो गणेश जी की मूर्ति वूर्ति लगा दिए हैं, पाटे के लोटे के तिलक वगैरह कर रहे हैं, तो टीका वगैरह निकाल दिए हैं। उसके बाद हम लोग कहानी सुनने के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग कहानी सुन ही रहे हैं। मतलब हाथ में, मतलब चौथ माता का जो लेके बैठते हैं ना गेहूँ, वो हम लोग ले लिया था और बैठ गए थे, कहानी वानी सुन लिए हैं। उसके बाद है ना, मौली हमने बांधा ही नहीं था, तो यहाँ पर ये मेरे को मौली बांध रही है। देख सकते हो कच्चा धागा जो होती है, ये मेरे को वहाँ पर मौली बांध रही है। इस उखा रही है गुड़ प्रसाद जो चौथ माता को चढ़ाया था, तो यहाँ पर इन्होंने मौली मुझे बांध दिया है। भूल गए थे सारे सारे, मतलब कहानी वानी सुन करके उठ गए और भूल गए। उसके बाद मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे वीकनेस सा फील हो रहा था। अगर एक दिन भी व्रत हो जाता है तो बस कमजोरी कमजोरी से मतलब लगने लग जाता है। काम इतना रहता है, तो क्योंकि अब इतना काम करने के बाद फिर व्रत करना और ऊपर से फिर से मतलब काम करना तो हो नहीं पाता। तो जिस दिन व्रत रहता हूँ उस दिन पता नहीं चलता है भाई, मतलब कितना मतलब कमज़ोरी फील हो रहा था। मैं तो आकर के सो गई। आने के बाद फिर मैं शाम को बस सीधा उठी 3 बजे लगभग, तो फिर मैं चाय बना करके मैंने पिया। उसके बाद मैं समेटने लग गई कपड़े। उसके बाद मैंने चारा वारा मैंने डाला था, उसके बाद कपड़े समेटने लग गई कि कपड़े कल के भी थे तो मैं ना मतलब नहीं समेट पाई थी। कल मैंने दवाई लेने चली गई थी, दोबारा मैं गई थी दवाई लेने के लिए, तो फिर कल भी नहीं समेटी थी, तो आज मैंने समटा है। तो बने रहे वीडियो के अंदर, देखते रहे आज का पूरा दिन मेरा कैसा निकलता है, पता नहीं क्योंकि व्रत के दिन मेरे बाद फिर कुछ ना खाना पीना और ऐसा पूरे दिन चिल्लाती रहती हूँ मैं बच्चों पे ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदमाशी करते हुए चिल्लाना पड़ता ही है। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम में मतलब दूध वूध निकाल लिए थे, उसके बाद फिर मैं डेचकी में दूध डाल रही थी और मैंने सोचा कि चाय बना के बार पी लेती हूँ, क्योंकि शाम ढल जाएगी तो उसके बाद चाय पानी कुछ भी नहीं पी सकते और मैं पानी तो पीती नहीं, ज़्यादातर मैं पीती ही नहीं, बस चाय हो ना तो चाय में पी लिया, पानी वगैरह नहीं पीती, मैं व्रत के बाद ही पीती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप गाइस, कैसे हो? आई होप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। व्रत मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरा व्रत है। मेरा व्रत होने के बाद पता ही नहीं ऐसा उस दिन क्या हो जाता है, इतनी आवाज़ धीरे धीरे निकलती है और ऐसे तो मैं रोज चिल्ला के बोलती हूँ। लेकिन व्रत के दिन तो मेरी तो वैसे हाल शरीर में जान ही नहीं है और पता नहीं क्यों होता है ऐसे होता है। तो है ना, आज चौथ का होता है, पूजा वूजा मैंने सुबह कर यही थी, वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैंने झाड़ू वाड़े भी निकाल लिया है और काम वाम भी कर लिया है हल्का थोड़ा बहुत, और मैं जा रही हूँ बर्तन, चाय के बर्तन मांजूंगी और गाय को पानी पिलाऊंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। और मैंने ना सुबह थोड़े से वीडियो बनाई थी, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होता है ना सभी को, मैं बना नहीं सकती, उन लोगों को वीडियो के अंदर ले नहीं सकती। तो आज चौथ का व्रत मैंने बता दिया आपको। तो मैंने कहानी वानी तो सुबह सुन ली थी और आज मैंने साड़ी मैंने पहना, और ये साड़ी आप सोच नहीं सकते कब की ये साड़ी, जब मेरी सगाई मतलब सगाई हुई थी तब की ये साड़ी, देख सकते हो मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी, तभी इसको मैंने रख रखा है संभाल करके, हर चीज़ की यादें रहनी चाहिए। और अभी भी ये लगती है नई की नई साड़ी लगती है, मैं बहुत कम बांधती हूँ ये वाली साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इतनी अच्छी प्लेटें बैठती है, इतनी अच्छी मतलब लगती है ना बहुत ज़्यादा। और ईशु अक्षु भी इसी कलर का ड्रेस पहनी आज मैंने, हम तीनों माँ बेटी एक ही रंग के ड्रेस पहने। तो बने रहे वीडियो के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी। वो लोग भी आते हैं, वो लोग खेलने गए हुए हैं। मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, धीरे धीरे काम हो रहा है और खाना भी बनाना है, देखते क्या बनाते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंदर। उसके बाद काम हम ख़त्म करके खाना वाना बना करके मैं मतलब जोत लेने के लिए आ गई थी शाम के टाइम में, मतलब लेट तो हो ही गई थी खाना बनाते बनाते। यहाँ पे जोत लेने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे चौथ माता का जोत ले रही हूँ। ईशु भी बैठी मेरे पास, अक्षु सो गई थी और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जोत। यहाँ पे मेरे ना जोत आ ही नहीं रहते, क्योंकि मैंने जो आग जो लिया था वो ना बानी बानी से हो गया था, और मैं जोत लेने की कोशिश कर रही थी, जोत भी नहीं आ रही थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग लोग थोड़ा बहुत जोत आ चुका है, लेकिन फिर भी नहीं, ढंग से तो नहीं आ रही थी, धुआं से ही हो रहा था। तो मैं ना बानी बानी से मतलब आग ले रही थी, ये नहीं कि हाँ कि अच्छे वाले मतलब लू मतलब, तो इसलिए आ ही नहीं रहा था। व्रत के दिन आप लोगों का कैसा दिन जाता है मुझे ज़रूर बताना। पूरा एक कटोरी मैंने घी डाल दिया लेकिन फिर भी जोत नहीं आ रही है, तो ये देख सकते हो मैं हल्का हल्का थोड़ी सा हवा कर रही हूँ भाई उससे जोत आ जाए,
लेकिन लास्ट में जोत आ ही जाता है, ऐसा कि नहीं आता नहीं है लेकिन लास्ट में आ ही जाता है। फिर यहाँ पे मैं देखो भोग लगा रही हूँ जो मैंने बनाया था, और मैंने बनाया था चावल रोटी सब्जी ये बनाया था, और मैंने चूरमा वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि नहीं खा पाती इतना मीठा वगैरह नहीं खा पाती हूँ मैं। ऐसे तो मीठा ज़्यादा खाती हूँ लेकिन मुझे चूरमा पता नहीं अब पसंद ही नहीं होने लग गया, पहले पसंद था अब नहीं पसंद है। तो फाइनली यहाँ पे जोत आ चुका है चौथ माता का, ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से अब आए हैं। मैंने दोबारा हल्का हल्का मतलब आग वाला आग डाला, मतलब उसके अंदर आग था उफ, तब जाके जोत आया है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने जोत वोत ले लिया है जोत माता का, उस ये देख सकते हो फाइनली देखो जोत आ चुका, बहुत ही मुश्किल से जोत आया है। उसके बाद चांद उगेगा, मैं अर्घ दूंगी, उसके बाद देखा जाएगा क्योंकि फ़ोन में मेरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं है कि मैं ना मतलब चांद उगेगा तो मैं ब्लॉग बना पाऊँगी। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।